नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे। तो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम अनेक शब्दों की जगह, यानी हम बहुत सारे शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द लिख देते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है, तो उसे बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका यूज आप अपने हिंदी लेख में कर सकते हैं। आप अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन इत्यादि में आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। इससे आपका एक तो पेपर में टाइम बचेगा, प्लस आपकी भाषा, आपका लेख सुंदर लगेगा, उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो हम आज की क्लास में ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखते हैं। सबसे पहला है जमीन पर चलने वाला। तो आप पूरा जमीन पर चलने वाला मत लिखिए, इसकी जगह आप लिख सकते हैं थलचर। ठीक है, तो इसका मीनिंग सेम है, इसका अर्थ सेम है। अगला है आसमान। आसमान यानी नभ, गगन, आसमान में घूमने वाला। तो इसे एक शब्द में हम बोल सकते हैं नभचर। ठीक है, जमीन पर चलने वाला थलचर, आसमान में घूमने वाला नभचर। समझ में आ गया। अगला है जहां जाना सरल हो। सरल यानी इजी, जहां जाना इजी हो। तो इसे एक शब्द में हम बोल सकते हैं सुगम। ठीक है बच्चों, अगला है जहां जाना कठिन हो। कठिन यानी डिफिकल्ट, जहां जाना डिफिकल्ट हो, कठिन हो, तो इसे हम बोलते हैं दुर्गम। समझ में आ गया। नेक्स्ट है जिसमें धैर्य ना हो। धैर्य यानी पेशेंस, जिसमें पेशेंस ना हो, जिसमें संयम ना हो, तो जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, आप अधीर लिख सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल, और हिंदी में हम एक शब्द में बोल सकते हैं अदृश्य। ठीक है, अगला है जिसकी तुलना ना हो सके। तो इसे हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, अतुलनीय। ओके, नेक्स्ट इज जो कभी ना मरे, और इसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं अमर। इजी है ना। अगला है जो लोगों में प्रिय हो, यानी जो लोगों में फेमस हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लोकप्रिय। अगला है जिसमें सहने की शक्ति हो, और इसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं सहन शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट इज आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। एक शब्द में आप इसको बोल सकते हैं गगनचुंबी। और हमारी आज की क्लास का लास्ट है जो दूसरों की भलाई करता हो, और इसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं परोपकारी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जमीन पर चलने वाला थलचर, आसमान या नभ या गगन को, गगन में घूमने वाला नभचर, जहां जाना सरल हो सुगम, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जो कभी ना मरे अमर, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जिसमें सहने की शक्ति हो सहन शक्ति, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो दूसरों की भलाई करता हो परोपकारी। तो बच्चों, यह है हमारी आज की क्लास के 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप इनको कहीं पर नोट कर सकते हैं, इसके बाद आप इन्हें लर्न कर सकते हैं, और फिर आप इन्हें अपने हिंदी लेख में जरूर यूज कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।